Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज से मैं आपके लिए International Mathematics Olympiad की workbook लेकर आई हूँ, जिसमें पहला चैप्टर है नंबर सेंस. नंबर सेंस से हम क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करके बताते चलेंगे. टॉपिक वाइज जो है, हर चैप्टर वाइज आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ओलंपियाड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप हमारे साथ बने रहें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला चैप्टर है हमारा नंबर सेंस. नंबर सेंस, जैसा कि आप जानते ही हो, चैप्टर वन में नंबर्स नेम हमें लिखना होता है. इसमें हम एबेकस और प्लेस वैल्यू देखेंगे, एक्सप्लेन फॉर्म को देखेंगे, साथ ही नंबर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं उसको कंपेयर करना है. फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग इन्फॉर्मेशन एंड इवन और ऑड नंबर क्या होता है वो हम देखेंगे, साथ ही वर्ड प्रॉब्लम्स. ये सारे टॉपिक्स जो है आपके नंबर सेंस के अंतर्गत आ जाएंगे. तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग से. स्नेहा हैड ए कलेक्शन ऑफ 948 स्टिकर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नंबर नेम्स ऑफ 948 का करेक्ट नंबर नेम्स क्या लिखा है ये हमें बताना है. 948 ए ऑप्शन, बी 908, सी ऑप्शन 940 एंड डी ऑप्शन 948. तो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा 948. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू. विच ऑफ द बताना है. 9521 को क्या हम पढ़ेंगे, ए 5021, बी 9521. बच्चों यहाँ पर देखिए, इस प्रकार काउंटिंग होता है जैसा कि आपने क्लास में किया होगा, यूनिट टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड. तो क्या हो गया, 9521. क्या करेक्ट आंसर हो गया, 9521. सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है कम से ज़्यादा, जैसे कि हम सीधी चल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, इस तरह 1 2 3, मतलब इस तरह अरेंज करना है कम से ज़्यादा नंबर. तो यहाँ पे ए में हो जाता है, देखिए सब 900 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 7 डिजिट है जो बीच में है, नहीं हो सकता है. इसमें देखिए 1900, 1000, 2000, 1920, 1902. अब इन दोनों में देखेंगे 1902 छोटा नंबर है, तो ये भी नहीं ऑप्शन है. नंबर सी ऑप्शन देख लेते हैं, 9876, ठीक है, 9876 हो रहा है. फिर आपका हो रहा है 9700. अब यहाँ देखिए 9 9 तो सेम है, थर्ड नंबर्स पे 7 छोटा डिजिट है, ये भी नहीं हो रहा है. अब डी में हम देखेंगे 1920, ये सबसे छोटा नंबर है, ठीक है. उसके लिए 9 वाली सीरीज है, 9 वाली सीरीज में देख लेते हैं, 9000 9000 9000 सब में सेम है, सेकंड डिजिट 1 आ रहा है, फिर 3 4 6, तो सेकंड डिजिट ये हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 7, ये सही है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. एक एक यूनिट को हम कॉमन करके देख सकते हैं. यहाँ पर सबसे कॉमन नंबर 9 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, तो ये सबसे छोटा हो गया. फिर इन चारों में कॉमन नंबर 9 हो रहा है, तो सेकंड पोजीशन पे हम देखेंगे, सेकंड पोजीशन पे 1 3 4 7, तो सेकंड पोजीशन पे 1 आ रहा है, तो ये नेक्स्ट नंबर आ जाएगा. फिर इस तीनों में देखेंगे तो 3 4 7, तो 3 सबसे छोटा डिजिट है यहाँ पर, तो ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा. उसी प्रकार 4 एंड 7 में 4 छोटा डिजिट है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 4। The greatest four digit even number that can be formed using digit 7, 0, 3, 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर अपना जो हो रहा है 7, 0, 6, 5। यहाँ पर हो सकता है आपको नंबर सही नहीं दिख रहा हो, तो हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 7, 0, 6 और ये नंबर है 5। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर डेट कैन बी फाउंड यूजिंग, ये नंबर है विदाउट रिपीटिंग द डिजिट इज, ये ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है, बिना किसी नंबर को रिपीट किए ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट इवन नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा, सबसे पहला बड़ा नंबर हो जाएगा 7, फिर 0, 6, 5 विदाउट रिपीटेशन हो जाएगा, तो सबसे बड़ा नंबर 7 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा और नेक्स्ट 0। तो 7650 ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, 7650 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग द टू, इन दोनों में प्लेस वैल्यू पे प्लेस वैल्यू डिटरमाइन द लार्जर नंबर अमाउंट टू, लार्जर नंबर कहाँ पर हो रहा है ये हमें देखना है। इसमें हम देख रहे हैं 10 प्लेस डिटरमाइन, यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, ये दोनों प्लेस जो है सेम हो रहा है, 72 एंड 72 सेम प्लेसेस है, 10 प्लेसेस पे अलग अलग डिजिट हो रहे हैं, तो 10 प्लेसेस डिटरमाइन द लार्जर ऑफ द टू नंबर बिकॉज बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट एट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेसेस। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन सी, 10 प्लेस पर डिजिट अलग अलग हो रहे हैं, लार्जर नंबर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7502 ओनली वंस इन 4 डिजिट के नंबर को हमें फॉर्म करना है जिसमें वन बार ही एक नंबर हमारा वंस इन अ नंबर एक बार हमारा रिपीट होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं फोर डिजिट नंबर हमें बनाना है, कितनी बार उस नंबर को हम बना सकते हैं, तो ये नंबर्स की फॉर्म जो है बहुत बड़े हो जाएंगे, चार नंबर। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग वंस इन नंबर, कितनी बार बना सकते हैं, तो चलिए इस नंबर को हम बनाते हैं, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं 2057, ठीक है, फिर हो जाएगा 2075, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 2507, 2507, नेक्स्ट फिर हो जाएगा 2570, फिर क्या हो जाएगा 2570, नेक्स्ट हो जाएगा 2750, 2750, फिर हो जाएगा 2705, फिर 5027, फिर 5072, फिर 5702, फिर 5720, 5720,
जीरो, फिर 5270, 5270, फिर हो जाएगा 5207, 5207, 72, अब यहाँ पे 7 वाली सीरीज से ले लेंगे, एक एक नंबर हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7205, फिर 7025, फिर हो जाएगा 7250, 7250, 7520, 7520, और फिर हो जाएगा आपका 7502, 7502 एंड 7052, 7052. इस प्रकार टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल नंबर्स हो गए हमारे यहाँ पर 18 नंबर्स हो गए। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ देखते हैं कितना हो रहा है, 18, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6935 इज सेम एज, तो ये बच्चों देखिए एक्सपैंड फॉर्म में लिखा गया है, एक्सपैंड फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं उसके बाद हम जीरो लगा देते हैं, जैसे फर्स्ट डिजिट 6 हुआ, उसके थ्री नंबर है, 1, 2, 3 नंबर्स हैं तो 3 0 लगाएंगे, फिर 9 के 2 डिजिट आ जाते हैं तो 2 0 लगाएंगे, फिर 3 के बाद 1 डिजिट है तो 10, और फिर प्लस 5 जो नंबर हो जाता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी ये गलत हो गया है, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ये 7 के 3 0 है, 2 0 हो रहा है, तो 7 के 3 0, 9 के 2 0, 2 डिजिट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 8 देखेंगे, सोनिया इज प्लेइंग विथ सम नंबर कार्ड्स, सी मेड अ डेक ऑफ दीज कार्ड्स एंड पुल्ड द कार्ड्स इन एंड शो बिलो 5, 6, 8, 2, हर मदर आस्क हिज हर लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल कार्ड्स, हेल्प हर टू फाइंड द आंसर। सोनिया कार्ड नंबर्स खेल रही है और उसको ये 5, 6, 8, 2 नंबर हर मदर से पूछती है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट का पॉसिबल नंबर इसमें क्या हो सकता है, तो सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 8, तो पहले 8 हो जाएगा, फिर 6, फिर 5 और फिर 2, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा 8, 6, 5 एंड 2, ये नंबर हमारा ऑप्शन किस में आ रहा, ऑप्शन ए, तो करेक्ट आंसर इट हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following given abacus show the number less than 1, 3, 4, 5? Less than 1, 3, 4, 5 से नीचे कौन सा नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कैसे हम यहाँ abacus फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे जो भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर्स काउंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे चलिए देखिए कितने हो रहे हैं, इसको abacus फॉर्म को सॉल्व करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे हो गया 5, 1, यहाँ 2 बर्ड्स हैं तो 2 हो गया, यहाँ 1 है तो 1, 1, 2, 1, 5, इसी प्रकार सब बर्ड्स को हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ 1 पोजीशन पे 3 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे हो गए 5 और यहाँ पे हो गए 3 और यहाँ पे हो गए 1, इसी प्रकार यहाँ हो गया 1, 3, 2, 5, यहाँ पे हो गए 5,
फोर थ्री वन, ये नंबर हमारे शो हो रहे हैं, कौन कौन से नंबर हो रहे हैं, विच इज द वेक्टर्स ऑन नंबर लेस देन 1345। 1345 से लेस देन कौन सा नंबर है, तो 1345 से लेस देन नंबर है हमारा ऑप्शन डी 1219। 1215 हो रहा है, 1345 है, 1215, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है अब 10। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेम बिलोंग्स टू डॉग्स नंबर, डॉग्स के जो नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर्स नेम हमें लिखना है, तो यहाँ 927, तो 927, इसको क्या पढ़ेंगे 927, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट ऑफ गोपीज हाउस नंबर, गोपी का हाउस नंबर 5987 विदाउट रिपीटिंग टू डिजिट विथ हैव विच नंबर द 100 प्लेसेस, इस नंबर को हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है और 100 प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 5, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। इसमें पूछा जा रहा है विच नंबर इज 100 पोजीशन, तो 100 पोजीशन क्या आ रहा है 7, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो 800। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 11। The number form of 8076 is numeral form of 8076. 8076 यहाँ पर देख लेते हैं, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर, इस प्रकार आप काउंट कर सकते हैं 8000, तो यूनिट 10 100 1000, तो 1000 प्लेस पे 8 तो सभी में है हमारा, देखिए 1000 प्लेस पे सभी में 8 ही नंबर है, तो 8076 यानी 70 हमारा जो है 10 पोजीशन पे आना चाहिए, 76 हमारा यूनिट पोजीशन पे, तो 6 यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है लेकिन 7 10 पोजीशन पे नहीं हो रहा, ये हमारा हो रहा है 76, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर द नंबर ग्रेटर देन द नंबर शो ऑन द एबेकस इज, इसमें कौन सा नंबर शो हो रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर हो गया अपना 8, ये कितने हो गए 1 2 3, ये 3 हो गए और ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर हो गए 5, तो 5 3 8, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 5 3 8, ऑप्शन ए, सो करेक्ट आंसर इज हो गया नंबर शोन एज द एबेकस इज 5 3 8 एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन नंबर ग्रेटर देन 5 3 8 इज 8 3 5, सो इसका हमको क्या बताना है ग्रेटर देन, उससे ग्रेटर देन नंबर बताना है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नंबर है उससे ग्रेटर नंबर हमें यहाँ पर बताना है, तो ग्रेटर देन 5 3 8 से ये नंबर हमारा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 is 300, ठीक है प्लेस इज 3 is 300, प्लेस वैल्यू हमें बताना है, तो चलिए देख लेते हैं 100 प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट द प्लेस वैल्यू, यहाँ पर देखना है कौन सा है 3 as 300, किस में हमारा दिखा रहा है प्लेस वैल्यू ऑफ 3 as 300, ये आपका हो गया 3 3 4, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 3 3, ये हो गया 4 2 3, ये हो गया 3 2 3 4, और यहाँ हो रहा है प्लेस वैल्यू 3 4 2, तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 300 किसकी आ रही है, ये ऑप्शन नंबर सी, 3 के बाद प्लेस वैल्यू यहाँ पे 0 डबल लिखते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
So the 100 place digit represent the place value of 3 as 300. So abacus in the option C has the place value of 3 as 300. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. इफ 100 प्लेस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट आर द इंटरचेंज इच नंबर देन विच इज द फॉलोइंग इवेंट. यदि 100 प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट नंबर को चेंज कर दिया जाए, जैसे ये 100 प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, इसको हम चेंज कर लेते हैं इच नंबर में, तो फॉलोइंग नंबर इज इवेंट नंबर कौन सा होगा. इवेंट नंबर क्या होता है बच्चों, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. चलिए यहाँ पर देख लेते हैं. तो इसको अगर हम इवन नंबर में चेंज करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2654. यहाँ हो जाएगा 2028. यहाँ हो जाएगा 7258. ऑल ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर का ऑप्शन डी. ये सभी जो है 2 से लास्ट डिजिट जो थे 4 2 8, ये सभी डिवाइड हो जाएंगे इवन नंबर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. यूजिंग द गिवन कार्ड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Using the given card, answer the following questions. So, 9256. So, the number names of largest 4-digit number that can be formed using all card is. So, यहाँ पर हम देख सकते हैं. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे. अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक और ये नंबर सेंस में क्वेश्चन है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी. तो आज के लिए इतना ही. आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि एक ही चैप्टर्स के पूरे 30 क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं या वीडियो को डिवाइड कर लूं दो पार्ट में लेकर आऊं, ये आप हमें प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं. थैंक यू. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और प्लीज़ वीडियो को पूरा पूरा अवश्य देखें.